प्रदेश में भाजपा चारों की चारों सीटें न सिर्फ जीतेगी बल्कि इस बार प्रचंड मार्जिन के साथ रिकॉर्ड बनाएगी। ये बात समीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने मतदान करने के बाद पत्रकारों के साथ कही। वोट करने के बाद एमएलए नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि हमीरपुर से बीजेपी को 10,000 की लीड मिलेगी और बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और कांग्रेस को हर जगह पर बढ़त मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा काम पार्टी व लोगों की सेवा करना है और पद व बड़ा कद देना राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि जनता मुझे चौथी बार लोकसभा में भेजेगी। वहीं मतदान के उपरांत मार्जिन होगा, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होगा। जनता का प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद सदा मिलता रहा। अब तो मोदी जी जैसे नेता जिस पार्टी के पास हो, जन जन के मन में मोदी मोदी है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है कि उनका काम, उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार फिर एक बार बनने वाली है और मेरा पूर्ण विश्वास है, लोग मानते हैं कि देश को सुरक्षा प्रदान की और देश में महंगाई मुक्त किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया, अराजकता का दौर खत्म किया। ये बड़ी बातें हैं जो पिछले 5 वर्षों में एक कुशल नेतृत्व ने दी हैं और देश फिर एक बार दमदार प्रधानमंत्री को मजबूत भारत और नए भारत के लिए प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कांग्रेस का एक आरोप रहा है कि इस बार आप लोगों ने विकास, मुझे लगता है कांग्रेस मुद्दाहीन रही, कांग्रेस का पूरा कैंपेन ही फेल कर गया। जब कोई पार्टी कंफ्यूज्ड नेता और करप्ट नेता का नाम आगे बढ़ाए और आगे एक ऐसा हो कि जिसके नाम के लिए पूरी दुनिया भर में चर्चा हो कि मोदी जी ने जो काम किया उसका मान सम्मान बढ़ा हो, और दूसरी तरफ कंफ्यूज्ड पार्टी नजर आए तो चुनाव वहीं पे खत्म हो गया था। मोदी जी ने भी, हमने सबने अपने भी विकास की जो हमने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में किया और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको भी बताया है। लेकिन सच्चाई यही है, देश सुरक्षित है तो सब कुछ है। तो देश की सुरक्षा किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने करके दी है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया कि हमीरपुर सीट के साथ साथ प्रदेश के तीनों सीटों को भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जीत का मार्जिन ज्यादा होगा और जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करके अपना जनादेश दे रही है। कैंपेन बहुत लंबा था लेकिन बढ़िया रहा, मतदान भी भारी मात्रा में हो रहा है। मुझे विश्वास है लोग खुलकर वोट करेंगे और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चारों के चारों सांसद हिमाचल से बीजेपी के जिताएंगे। क्या अपील करते हैं? मैं अपील करता हूं कि मत का अधिकार बड़े मुश्किल से मिला है, बड़ी तपस्या और बलिदान लोगों ने किया उसके बाद अधिकार मिला है। तो आओ सब मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं, मत के प्रयोग करें और सही समय पर जाकर वोट दें। सर, इस बार कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है तो बीजेपी उस पर लड़ रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीते। सीटें तो चारों हमने पहले भी जीती थी लेकिन चारों सीटें जीतने के साथ अगर ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वोट करने के बाद एमएलए नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि हमीरपुर से बीजेपी को 10,000 की लीड मिलेगी और बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। देखो, बड़ा क्लियर है, भारत वर्ष के लोगों ने एक बार फिर मनाया है कि वो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर दिखाना चाहते हैं और वही मन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र व पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों का है। भारी उत्साह है लोगों में और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने 5 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखा है। तो लोग एक बार फिर चाह रहे हैं कि हमारा देश का मान सम्मान बढ़े, इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हों और देश की सुरक्षा का भी प्रश्न जो है सिर्फ मोदी जी के हाथों ही सुरक्षित है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं, हम देश में भी और हिमाचल की हम चारों के चारों सीटें जीत रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी 300 से पार सीटें लेके अपनी सरकार बनाएगी, इसमें सेकंड थॉट की बात ही नहीं है। अच्छा, अनुराग ठाकुर का कहना था कि इस बार लड़ाई
मार्जिन की है, जीत की नहीं है, क्या उम्मीद करते हैं? कितना मार्जिन आपका क्षेत्र? वैसे मैं भी हैरान हूँ, इस बार हमीरपुर विधानसभा का क्षेत्र में कांग्रेस की कैंपेन बिल्कुल नेग्लिजिबल, और आज मैं अभी यहाँ बूथ पे भी आया हूँ, एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ उनका कोई बूथ का कोई आदमी बैठा ही नहीं है, तो कार्यकर्ता भी इनके पास नहीं है, लीडरलेस पार्टी है ये। और मैंने हर कंस्टिट्यूंसी का, अपनी कंस्टिट्यूंसी का मैं गांव गांव जाके मैं घूमा हूँ, वन साइडेड लोगों ने मन बनाया है, और मैं तो ये कहता हूँ कि मिनिमम हम 10,000 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, बड़े कम्फर्टेबल 10,000 से ऊपर का मार्जिन हमारी कंस्टिट्यूंसी का होगा, और ओवरऑल भी सारा की सारा कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी लीड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और कांग्रेस को हर जगह पर बढ़त मिलेगी। उम्मीद रहेगी इस बार कांग्रेस की रख रही है, कितनी उम्मीद है इस बार? इस बार जो उम्मीद है वो हमें पूरी सफलता मिलेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि पब्लिक अभी कैंडिडेट को देखेगी और देखेगी कि उन्होंने पिछले 12 साल में हमें क्या दिया है, और वो चाहती है अभी कि अच्छा एक कैंडिडेट आए जो उनकी समस्याओं को दिल्ली भी पहुंचाए और उनको हल भी करे, और वो मोदी वाली लहर जो है वो इस बार नज़र नहीं आ रही है, और इस बार ही एक कॉम्पिटिशन बहुत बराबर की टक्कर पर आ गया है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब ये इस टक्कर पे आ गया तो हमें जीतने के पूरे आसार हैं। थैंक यू। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।